आप सोच रहे होंगे ये गलत किसे कर दिया इसने ना भाई, मैं चेक कर रही थी, ऐसा क्या है लड़की में बंदा छोड़ ही नहीं रहा था। आप भी तो नहीं छोड़ रही थी अभी। वैसे एक बात बोलूं, अभी मैं बाहर जाऊंगी ना, सारे राइटर डायरेक्टर मेरे हाथ चूमेंगे। क्योंकि वो जरीन को बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं, मैं चाहती मुझे यहाँ यहाँ भी छुए। वैसे कितने अच्छे लग रहे हैं ये, वो किधर है? कहीं अपने डंबल के नीचे तो नहीं दब गए? क्या बात है, लेजी शाह भी आई है। हाँ, क्या मुझे पता उनका नाम डेजी शाह है, लेकिन फिल्म में इतनी लेजी दिखी, बेड से उतरी नहीं नीचे। और जरीन आप भी बड़ी चलाक है, डॉक्टर ने 4 दिन बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, ये पूरी फिल्म में नहीं उतरी बेड से। शर्मन सर क्या मस्त करते थे, तोहफा कबूल करो, आपका तोहफा फिर भी अच्छा लगता था क्योंकि आप शेप में थे। लेकिन वो चतुर लिंगम ने जब तोहफा कबूल कराया ना भैया, सब लोग ऐसे करके बालकनी से कूद के भागे थे। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं, जरीन और डेजी बहुत चलाक लड़की हैं, बहुत चला, बहुत शातिर है लड़कियां, क्योंकि देखो डेब्यू सलमान के साथ किया और रोमांस इनके साथ कर रही है। भाई ये तो बात वही हुई ना, बर्तन कोई और लेके आया, दूध कोई और लेके आया, दही कोई और खा रहा है। लेकिन खैर मैं एक बात बता दूं कि मैंने हिट स्टोरी 4 साइन कर ली है विद रजनीकांत। यस, क्योंकि मैंने सारी हिट स्टोरी देखी है, पहली हिट स्टोरी हुई हुई हुई, दूसरी हिट स्टोरी ओए होए 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 होए, तीसरी हिट स्टोरी ओए होए होए होए, चौथी में तो भैया उसमें रजनीकांत ही हो सकता है मेरा, क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं हूँ मैं। गॉड, थैंक यू थैंक यू। मतलब कभी तो अपने साथ ले आया कर, है? हाँ। इसको ऐन मौके पे इसका पेट खराब हो जाता तो कौन साथ में लेके आए। वैसे एक बार बोलूं, जोरदार तालियां करण के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काय का थैंक यू, तेरे लिए नहीं, करण ग्रोवर के लिए बोल रही हूँ मैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। वैसे एक बात बोलूं, सेम टू सेम है दोनों, ये करण भी हैंडसम है, वो करण भी हैंडसम है, इसके भी डोले हैं, उनके भी डोले हैं, इसके भी सिक्स पैक है, उनके भी सिक्स पैक है, इसकी भी एक्टिंग में मजा नहीं आता, उनकी एक्टिंग में भी मजा आता है। अरे भाई गेस्ट है, ऐन मौके पे बात तो बदल ही देते हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रही, कौन है ये लोग? अरे हेट स्टोरी 3 के सुपरस्टार है। नहीं मतलब आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ यार, वो चक्कर क्या ना भारती, प्रोमो में सिर्फ पीठ दिखाई है मैंने उन लोगों ने, तो पीठ से मैं मुंह तक पहुंच ही नहीं पाया। पीठ दिखी है खाली, इसको तो पीठ दिखी है। शर्मन जी हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। हमें पता ही नहीं था, हमें लगा रामलीला में जटाऊ बनते हैं। ये बता रहा है, अरे फैन हूं मैं उनकी, फैन मैं सारी फिल्में देखी, सारी कॉमेडी, क्या टाइमिंग है आपकी, आपकी एक्सक्यूज मी, गोलमाल और वो कौन सी थी स्टाइल, आय हाय 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 भैया, लेकिन असली हंसी मेरी सुपर नानी में निकली थी। चुप, सुपर नानी कॉमेडी फिल्म नहीं थी। अरे वो फिल्म पे नहीं कह रही, इनकी चॉइस में हंसी थी, 3 इडियट सुपर नानी, ये क्या मतलब हुआ सर, कुछ मिला नहीं। शर्मन जी इतनी हॉट लड़की स्टेज पे हो, डांस तो बनता है भाई, प्लीज मना मत करना, प्लीज शर्मन जी कसम खाओ मना नहीं करोगे? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। तो भेजो ना सर, आपको क्यों लगता है कि सर सर ऐसे करूंगा, ऐसे लगता है मुंह सीधा करूंगा तो मूछें गिर जाएंगी, सर एक बार मुंह सीधा करके देखिए, मूछें नहीं गिरेंगी। वैसे एक बात बोलूं, दिल से बोल रही हूँ, आज हमने कॉमेडी नाइट बचाओ में 3 सिंगर और 1 नेहा कक्कड़ बुलाई है। कैसी है? हेलो रे हेलो, कैसे हैं? मजे में। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। नहीं ऐसा कहना पड़ता ना गेस्ट आते हैं, वरना से मुंह पे कौन कहेगा कि मैं नहीं जानती इनको। वैसे एक बात बोलूं, लड़के लड़कियों को देख के सीटी मारते हैं, इनको भी देख के लड़के सीटी मारते, कहते आ जाओ वो चली गई, आ जाओ। ये पहली लड़की है जो ब्यूटी पार्लर में जाती है, सामने से पूछते हैं, हाँ जी सर कटिंग के दाढ़ी बनाएंगे।
लेकिन गुजराती बेन ओए होए, गुजराती क्या तरक्की की है, ओह बहुत शार्प है, बहुत शार्प है वो ब्लेड जिससे ये शेव करती है। जोरदार तालियां भोपूदा के लिए, बप्पीदा के लिए। बप्पीदा, म्यूजिक जगत में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एआर रहमान, शेखर और ये अपने अनु मलिक जी, लेकिन जो वैरायटी बप्पीदा की चैनों में है ना, किसी में नहीं है। क्या अलग अलग चैन पहनी है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं पैदा हुई थी ना, मैं ऐसे कर रही थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरा अगर कोई पति होगा तो बप्पीदा जैसा। बप्पीदा एक बार दूर से मुझे ऐसे करके आशीर्वाद दे दो। लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, अब हमारा शो देखना कहां से कहां जाएगा। बप्पीदा नासा वाले आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, कहती यार ऊपर से देखते हैं जमीन के नीचे सोने की खदान तो होती है, सोने की खदान धरती पे चलती पहली बार देखी। क्या बात भारती, चार चार नए एलईडी बल्ब लगाए। ए, अरे सुपरस्टार आए हमारे शो में। अरे कैसे उदित जी, नमस्ते। हाय नेहा, कैसी हैं फाल्गुनी जी? अरे तूने बताया नहीं, जयपुर की महारानी भी बुलाई है। अरे वो बप्पीदा है, उनको गहने पहनने का शौक है, बहुत सोना पहनते हैं। एक बार हमारे बप्पीदा गहने पहन के अपने अपने बेटे को कहते हैं, हम सड़क पे खड़ा रहेगा, हमको धूप सेकना है। ये सड़क पे खड़े थे, औरतें आगे चैने देखने लग गई, हार देखने लग गई, चूड़ियां देखने लग गई, ये चल पड़े डर की, कहती हाय दुकान चल पड़ी। तुझे बड़ा पता है बप्पीदा के बारे में? अरे क्लोज फ्रेंड है, फैमिली रिलेशन है, तुम्हें पता है, सब पता है मुझे बप्पीदा के बारे में। एक बार अपने बरामदे में ऐसे करके सोए थे, इनके घर गेस्ट आ गए, इनकी वाइफ से नाराज हो गए, कहते भाभी आपसे बात नहीं करते, आपने घर में शादी रखी है? कहते नहीं तो, कहते फिर 30 किलो आटा को गूंधा हुआ है। अकेले म्यूजिक डायरेक्टर है जो हर वक्त नगारा और तबला साथ में रखते, कभी मूड बन जाता है बंदे का, प्यार भी ना चैन का हारे। क्या बात है? तुम्हें पता है एक बार ना बप्पीदा का कच्चा उड़ के सड़क में गिर गया। फिर क्या, आज उसी टेंट के नीचे सर्कस चलता है। बाकियों के बारे में बात कर लो। अरे करते तो है, तुमने कहा नेहा आई है, कितने लोग आए हैं। इनको देख के पता क्या लगता है कि छोटी बच्ची अपने 3 चाचाओं को शूटिंग दिखाने लाई है। एक नहीं, नहीं, बेटे 3 नहीं 2 चाचा 1 फाल्गुनी। अरे यार क्या करते हो यार, बताना चाहिए ना। वैसे ना एक बात बोलूं, मैं लोग आप ही थी ना वो लोखंड वाला में ना, मैं पर्स खरीदी थी, ये भी पर्स लेने आई थी, दुकानदार कहता भाई साहब भाभी के लिए पर्स खरीदा जा रहा, झगड़ा चल रहा है लगता है। क्या हो गया सर? ऐसे नहीं, ऐसी टेंशन नहीं होगी सर, ऐसे टेंशन मत लीजिए। नहीं हम बहुत टेंशन में है। हिंदी बोली। एक बात बताओ, अगर भले उस लड़की का थोड़ा हिंदी कमजोर है, तुम्हारी भी तो अंग्रेजी कितनी कमजोर है। सर आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश सर। जस्ट गिव सम वर्ड्स, हेवी वर्ड्स इन इंग्लिश, लेट मी अंडरस्टैंड इफ यू गिव वन स्टेटमेंट। या कम ऑन, या डिलिजेंट, डिलिजेंट, यस। अभी एक बात बोला, अभी यस सर, एक मिनट, अभी यस सर, आई एम इंटेलिजेंट। अभी मुझे मालूम था या तो डिलिजेंट का बोलेगा दिल्ली का कोई एजेंट, ऐसे ही बोलना, या तो बोलेगा मैं ऐसा एजेंट हूं इसके बाद दिल्ली। Okay, I want you to try a Hindi word on me now. I want a Hindi word. एक हिंदी वर्ड तू दे। आपातकालीन स्थिति। इसे कहते हैं हीरोइन जैकलीन। हेलो सर, आप लकी हैं सर, आपके साथ जैकलीन है, मेरे साथ अनक्लीन है, देखिए ऐसी होती है हीरोइने। हाँ रितेश, रितेश के साथ लीजा हमारे। Actually, actually, एक बार तू करके देख, देख पिक्चर में मैंने इसके साथ किया, जैक लीन ऑन मी, तू उसको बोल, तू लीन ऑन मी, मैं भी देखता हूँ। अच्छा सर, आप जैक लीन ऑन मी, गो गो लीन में लीन, डोंट। अरे ये तो इंग्लिश भी नहीं समझती है। जैक लीन ऑन मी, चलिए दोबारा सर, दोबारा सर, एक बार प्रॉपर हो गया। हाँ जी अच्छा, सो अब मैं आपको बताता हूँ, जैक लीन ऑन मी, अब आप करके दिखाइए, भारती क्लीन हिम आउट। अब मैं भी आपको बताता हूँ, अक्षय सर के साथ, अब मैं भी आपको बताता हूँ। ये संजय दत्त का नहीं कर, ये संजय दत्त का मत कर, संजय दत्त मेरा कर,
कंफ्यूज हो गया भाई साहब, ये कंफ्यूज हो गया, इतने और कॉमेडी शो कर करके पागल हो गए ये। चलिए मैं अपने स्टाइल में, ठीक है, चलिए कम ऑन जैकलीन ऑन मी। वाह बहुत बढ़िया, देखा लीन कर दिया। तेजी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ? मराठी में मेरे नाम की फिल्म कर रही और मुझे लिया नहीं। कौन सी फिल्म? अरे लय भारी। हमारी जो पूरी टीम है कॉमेडी नाइट्स की, पूरी रात नहीं सोए सर हम लोग। क्यों? अरे सुबह आना था। आप तो 4 बजे उठते हैं, यहाँ पर 4 बजे टल्ली होकर सोते हैं लोग। ऐसे बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई है यहाँ जो 5 बजे 6 बजे नहीं उठता? नहीं उठता, कोई भी नहीं बोल रहा। शकील जी उठते हैं, शकील जी ही उठते हैं, अपना पेपर डालते हैं, दूध बेचते हैं, फिर आके सो जाते हैं। क्यों शकील जी? दूध कहाँ से बेचूं, मेरी भैंस तो भागी हुई है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चले बढ़े। हाँ, किसको बिठाएं भारती जी सिंहासन पे? अपना लय भारी और 2 हल्की फुल्की। क्या बात है रितेश सर, ऐसे लग रहा है कि मुंबई का वड़ा पाव और क्रीमी पास्ता एक साथ बैठा है। मैं जरा काय झाला पेड़ा वाटा पेड़ा, पेड़ा तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहे हैं भारती सर। लास्ट टाइम आपने देखा था भारती करण के साथ आई थी, हमारा जो बॉडी बिल्डर था, लेकिन करण आज है नहीं, आज वो आ रहा पर सिद्धार्थ जाधव। आपको लगा मैं बोल रही हूँ? मुझे लगा आप गा रहे हो, मुझे क्या पता प्री रिकॉर्डिंग हुई है। मेरी आवाज नहीं है कक्कड़ जैसी है सर। नहीं नहीं, ये आप ही की आवाज थी, आपने प्री रिकॉर्ड की हुई है। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने थोड़ा चिपके तो सही। चिपकने के लिए आपको इसका बहाना कभी नहीं चाहिए, आप तो पीछे भी चिपक गई थी। क्या करूं सर? और ये तो आप सभी जानते हैं, जो आता है यहाँ चिपकते हैं।